स्वागत करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों हमारे एक दूसरे के मन के साथ बने मन यात्रा करेंगे एक दूसरे से आपको मिलेगा। रोशन जी, अर्जुन सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सभी कन्या आईडी पे ले लीजिए सर। आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की ओर से 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है गया के गांधी मैदान में। और ये गया के लिए सबसे बड़ा मेरा आज जो रहा ये बहुत ही बड़ा बेड़ा था जो गया के गांधी मैदान में मैंने किया। और मैं काफ़ी सोचा भी नहीं था कि आज जितनी भीड़ और जितना सहयोग मुझे मिली जनता का, यानी हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, हमारे गया विधायक माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार सर या हमारे सांसद महोदय जी विजय मांझी जी और भी हमारे चंदन भैया, ये सारे लोगों का कॉपरेट आज 11 सालों से रहते आया है। और मैं यही विनती करता हूं अपने पूरे गयावासियों से, जिला प्रशासन से या पदाधिकारी प्रतिनिधि से कि इस तरह का आयोजन जो हम जब भी करें तो हमारा और जो अभी तो इस बार सामूहिक भी किए लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से मुझे कोई ऐसा सहयोग नहीं मिल पाया। जैसे में कि नगर निगम की सेवाएं थी वो नहीं मिल पाई, मुझे पैसा देने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ इतना बड़ा कार्यक्रम अगर हम लोग गया के गांधी मैदान में करते हैं तो जिला प्रशासन को तो कम से कम कुछ सहयोग करनी चाहिए थी। सब आपके सामने हैं, ये हमारे झारखंड और बिहार दोनों जगह से आए हैं, सब बहुत गरीब तबके हैं, अनाथ, असहाय, विकलांग सब आपके सामने दिख रहे हैं। ये कोई जानने पूछने की चीज़ नहीं है, देख भी सकते हैं। और ये हमारे दो स्टेट से आए हुए हैं, झारखंड से गढ़वा और लातेहार, दो जिला से हैं। और बाकी बिहार के हमारे जहानाबाद ज़िले से कुछ है, कुछ गया ज़िले से हैं, कुल मिला करके कुछ औरंगाबाद ज़िले से भी आए हैं। क्या क्या विदाई में क्या क्या विदाई में हमारा एक अभी पलंग और ट्रंक, तोशक, रजाई, तकिया, बेडशीट, लड़का लड़की कपड़ा, उसमें श्रृंगार का सामान बॉक्स के साथ दे रहे हैं। और जो भी दूल्हे का वस्त्र हुआ यानी कि शेरवानी, दूल्हे का दुल्हन का जो हम लोग चुंदरी साड़ी सब दे करके अभी दरवाज़ा बारात लगा करके जस्ट अभी आए हैं, इस सारी संस्था की तरफ से विवाह सामग्री तक कितने संस्था के द्वारा अब तक कितने जोड़े को 12,000 पार हो चुकी है 12 साल में। कुछ प्रॉब्लम भी आती है आपको? बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो इतनी हो रही है कि जिसके कोई हिसाब नहीं। इसके लिए मैं आवेदन जगह जगह लगा रहा हूँ, हमारे कई तो हमारे नाम के। सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं पूरे बिहार में, झारखंड कहीं भी, तो कम से कम स्टेट बाई स्टेट के स्तर से, तो बिहार में भी मेरा कार्यक्रम है तो मैं बिहार सरकार से और बिहार सरकार के माननीय हमारे जो मंचासीन गण बैठे हुए हैं उन लोग से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर इस तरह का हमारा प्रोग्राम कुछ रहे तो केवल सरकारी सुविधा मुझे उपलब्ध हो जाए ताकि आराम से हम यह कार्यक्रम सफल कर लें, क्योंकि आज की कार्यक्रम करने में बहुत ही कठिनाई मुझे करना पड़ा है। बिहार के मुखिया श्री नीतीश जी ने अच्छा पहल किया और उसी का फल है कि आज ये दहेज मुक्त बिहार एक नारा दे रहा है। और ये इस नारा में सफल बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाए हैं विकास जी, इनको हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम से। और इससे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे, एक आपस में जो पिछड़े हुए थे लोग वैसे व्यक्ति को जोड़ा गया है जो जिसको जरूरत था संरक्षण का, और संरक्षण ही उन्होंने जो दिए हैं बहुत अच्छे काम के। और इनके लिए रोजगार का अवसर भी हम चाहते हैं कि बिहार सरकार, भारत सरकार रोजगार भी अवसर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से भी जोड़ा जाए इन लोगों को, चूँकि वैसे परिवार से इन लोग आ रहे हैं जो गरीब परिवार है, निर्धन परिवार है। और एक ऐतिहासिक कदम है, इसमें बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत से युवक युवतियाँ पढ़े लिखे हुए और अच्छे कार्यक्रम करते हुए लोग अच्छा काम किए। धन्यवाद।